हाथरस में गैंगरेप की शिकार 19 वर्षीय दलित लड़की की मंगलवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। बहुत ही दुखद हाथरस की बेटी बहन मनीषा बाल्मीकि ने रात 3 बजे दिल्ली में ली अंतिम सांस। अपराधी कोई भी हो, सरकार दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे। बता दें कि हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की कि लड़की की आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने कहा, इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद चारों अपराधियों के खिलाफ अब भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या भी जोड़ी जाएगी। हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र एक गांव में 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के मुताबिक लड़की ने अपने साथ बलात्कार की वारदात के बारे में पुलिस को पहले कुछ नहीं बताया था, मगर बाद में मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में उसने आरोप लगाया कि संदीप, रामू, लवकुश और रवि नामक युवकों ने उससे दुष्कर्म किया था। उन्होंने कहा कि वारदात के दौरान विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश करते हुए उसका गला भी दबाया गया था।